नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफी अलग अलग प्रकार के मानसिक रुग्ण आते हैं और वो अच्छा होने के बाद में फिर अपनी राय, उनका उपचार कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। लोगों को इससे फायदा होना चाहिए इसलिए वो शेयर करते, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो आप देखिए। और इस तरह के पेशेंट भी अच्छे हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी हो सकती है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यह वीडियो देख के लोगों को शेयर करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे, आपको मैं अभी एक नए पेशेंट से मिलवाता हूँ। बहुत दूर से आया है, हमारे यहाँ पे बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। यह है कपीडीह, राय थाना पोस्ट है इनका, और ये सोनाहातू जिले से आए है, रांची इनका स्टेट है, रांची से आए। बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। ये जो पेशेंट है बीसीए इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा पेशेंट है, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से इनकी नौकरी चली गई। डिप्रेशन माने क्या है कि उदासी लगती है, काम में दिल नहीं लगता है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। उसके बाद में इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है, 3 बार आत्महत्या करने के लिए गए लेकिन बच गए। तो आत्महत्या करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया बताता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी के नीचे, ट्रेन के नीचे आ गए, ट्रेन में एकदम से अपने आप को झोंक दिया। उसके बाद में बिजली का करंट लेने का प्रयास किया। ऐसे इतनी तकलीफों से ये पेशेंट जूझ रहे थे। इन्होंने हमारा वीडियो देखा यूट्यूब पे, हमारा जो वीडियो हम डालते हैं, ये जो अभी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ इसी की वजह से। अगर कोई बाकी लोग परेशान रहते हैं तो ये वीडियो देख के आते हैं, वैसे ही ये पेशेंट अपने पास में जो आए हैं वीडियो देख के आए हैं। सिर्फ हमारा हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में है और ये भुसावल से एकदम नज़दीक है, अकोला भुसावल से शेगांव, शेगांव से बाद में अकोला पड़ता है। देखिए मैं आपसे पेशेंट के साथ में आपकी बात करा देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर, आप कहाँ से आए हो? मैं ये झारखंड बुंडू से आया हूँ। अच्छा, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को दिमाग की परेशानी थी, अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती थी। अच्छा। और वही खुदकुशी करने की इच्छा होती थी। मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन हर बार नाकाम हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि मेरी डर ही इतनी थी कि मैं मर सकूंगा कि नहीं मर सकूंगा, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता था। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई अभी मेरी बीसीए कंप्लीट है। बीसीए कंप्लीट किया है पेशेंट ने? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है पेशेंट ने। और कुछ दिन सर्विस किया है? सर्विस तो सर अभी नहीं किया है, कुछ सर्विस नहीं किया हो। अच्छा, ठीक है ओके। तो अभी कितने दिन से हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल में यहाँ मैं 16 तारीख से हूँ। 16 तारीख से जी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी फिलहाल कुछ सुधार हुआ ऐसा लग रहा है। सुधार हुआ ऐसा लग रहा है? हाँ। पहले क्या लगता था कि अपन अच्छे नहीं हो पाएंगे? अच्छे नहीं, है ना? हाँ। पहले इनको ऐसा लगता था कि अपन अच्छे नहीं हो पाएंगे, जीवन में कुछ पड़ा नहीं है, बस अभी आखिरी सफर है, जीवन को खत्म करना है, ऐसी इनकी सोच थी। अभी क्या है, आगे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद है कि जब मैं अच्छा से ठीक हो जाऊँ तो मैं कुछ करूँ, करने की इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो अभी कर पाओगे ना? हाँ, अभी कोशिश। तो क्या करोगे, काम धंधा? कुछ भी, वैसे कुछ भी बोलो। तो क्या सोचा है दिमाग में आपने? अभी तो उतना नहीं है कंफर्टेबल। देखिए, अभी जो हंसी उनके चेहरे पे आ रही थी, हंसी चली गई थी, हंसी बिल्कुल नहीं थी उनके चेहरे पे, बराबर बोल रहा हूँ मैं? अच्छी नहीं थी ना। लेकिन अभी काम करने की इच्छा है, ये घर पे जाने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में कुछ भी जो काम लगा वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आपके आजू बाजू में, आपके जिले में, आपके स्टेट में, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव अगर कोई ऐसे पेशेंट है तो उनको हमारे पास में लेके आइए, हम उनका इलाज करेंगे, उनको काम से लगाएंगे ताकि उनके घर में खुशहाली हो और अपना भारत देश समृद्ध हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।